नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल आस्था और बंसरी पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है वचन। तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वचन। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, पत्ता आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, लड़कियां, पत्ते आदि। दिए गए शब्दों को के वचन बदल कर लिखिए। हमें इस टेबल को देखकर, इस टेबल में एक वचन लिखे हैं और हमें उसे बहुवचन में लिखना है इस ब्रैकेट में से। तो पहला है मिठाई, तो हम लिखेंगे मिठाइयां। दूसरी है कहानी, तो होगा कहानियां। छुट्टी, छुट्टियां। आंख, आंखें। पौधा, पौधे। पुस्तक, पुस्तके। बूंद, बूंदे। बच्चा, बच्चे। कक्षा, कक्षाए। चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया में चंद्रबिंदु नहीं है एक वचन में, बहुवचन में स्पेलिंग सेम होगा, सिर्फ उस पे चंद्रबिंदु आएगी। चित्रों की सहायता से सही वचन लिखकर रिक्त स्थान भरिए। पार्क में खाली जगह खेल रहे हैं। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि पार्क में एक बच्चा नहीं, कहीं ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं। यह मेरी डैश है। यह मेरी पुस्तक या किताब है। बारिश की बूंदे गिर रही है, क्योंकि बारिश होती है तब एक बूंद नहीं, कई ज्यादा बूंद गिरती है, इसलिए बूंदे गिर रही है। रेखांकित शब्दों के अनुसार उचित वाचन का प्रयोग करें। मेरे पास एक डैश है, मेरे पास एक मिठाई है, या फिर मिठाइयां। एक मतलब मिठाई, मेरे पास एक मिठाई है। इस लड़की ने बहुत खाली जगह पड़ी है। इस लड़की ने बहुत पुस्तकें पढ़ी है, या फिर पुस्तक पढ़ी है, पुस्तकें पढ़ी है। मैंने अपने घर में खाली जगह लगाए, पौधे लगाए। यहाँ पर लगाए है ए, इसलिए पौधे, पौधा लगाए नहीं, पौधा लगाया होता है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, या फिर चिड़िया बैठी है,
एक वचन होगा चिड़िया। मुझे एक दिन की डैश मिली है, छुट्टी मिली है, क्योंकि सिर्फ एक दिन की है। अगर 5 दिन की होती या फिर 5 से ज्यादा होती तो छुट्टियां मिली है। तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।